हाय एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है अर्थ पैरालिसिस। ये अर्थ पैरालिसिस क्लिनिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली अर्थ पैरालिसिस में होता क्या है कि हमारे ब्रेकल फ्लेक्सेस के अपर ट्रंक में इंजरी हो जाती है, जिसके कारण अर्थ पैरालिसिस कॉज होते हैं। तो अर्थ पैरालिसिस में क्या होता है, ब्रेकल फ्लेक्सेस का इंजरी होता है। हम जानते हैं कि ब्रेकल फ्लेक्सेस मेरा C5 रूट से स्टार्ट होता है और T1 वर्टिब्रा तक जाके ख़त्म होता है। तो ये इसमें जो होता है अर्थ पैरालिसिस में, बेसिकली ब्रेकल फ्लेक्सेस के C5 और C6 रूट वैल्यू इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली अर्थ पैरालिसिस में 6 नर्व का क्या होता है, एक साथ जहाँ पे अपर ट्रंक पे जो 6 नर्व एक साथ मिलते हैं उसका क्या होता है, इंजरी हो जाता है। जैसे ये C5 और C6 ट्रंक, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जाकर के इसका फिर जाके इंटीरियर डिवीजन हो जाता है, पोस्टीरियर डिवीजन हो जाता है। ब्रेकल फ्लेक्सेस में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, फिर एक नर्व निकलता है, सब स्कैपुलर नर्व। दूसरा नर्व होता है नर्व टू सबक्लेविस, जहाँ पे ये मेरा क्या है, अपर ट्रंक है, ब्रेकल फ्लेक्सस का अपर ट्रंक है, जहाँ पे 6 नर्व एक साथ मिलते हैं और ये 6 नर्व जब इंजर्ट हो जाते हैं तो मेरा अर्थ पैरालिसिस कॉज होता है। तो अर्थ पैरालिसिस के बहुत कॉज के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से है जैसे कॉज की अगर हम बात करें तो पहला होता है चाइल्ड बर्थ में बेसिकली क्या होता है कि जिस समय बेबी का डिलीवरी हुआ होता रहता है उस समय क्या होता है कि मतलब कि हम जानते हैं कि मेरा ब्रेकल फ्लेक्सेस जो है हमारा अपर लिम्ब को सप्लाई देती है, ठीक है। तो C5 और C6 ये हमारे अपर लिम्ब में ही है, मतलब कि वहाँ ये सर्वाइकल से स्टार्ट होती है। तो ये चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है कि स्ट्रेचिंग के कारण, डिलीवर करते समय कुछ नेक में स्ट्रेचिंग आने के कारण क्या होता है, ब्रेकल फ्लेक्सेस का इंजरी हो जाता है अपर लिम्ब में, जो अर्थ पैरालिसिस कॉज करता है। दूसरा होता है फॉल ऑन द शोल्डर। अगर शोल्डर की तरफ से अगर हम गिरते हैं, ठीक है, तो क्या ज़्यादातर चांस रहते हैं कि हमारा ब्रेकल फ्लेक्सेस के अपर ट्रंक क्या हो जाए, इंजरी होता है, जिसके कारण अर्थ पैरालिसिस कॉज होता है। तो एक ये भी कॉज है। दूसरा कॉज होता है ड्रग्स ऑफ एनेस्थीसिया। कुछ ऐसे भी ड्रग्स है जो एनेस्थीसिया ड्रग्स ऐसे हैं जो जिसके कारण हमारा अर्थ पैरालिसिस कॉज हो सकते हैं इसके लेने के बाद, ठीक है। तो ये होता है अर्थ पैरालिसिस का कॉज, हमारा रूट वैल्यू जो होता है C5 और C6 इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है क्या कि हम कौन, इसमें बेसिकली जो मेरा ये अपर लिम्फ जो होता है वो बेसिकली इस तरह से हो जाता है, इस तरह से ये जो मेरा अपर लिम्फ है वो बेसिकली इस तरह से हो जाता है। इसको हम पुलिसमैन टिप भी कहा जाता है, इसको पुलिसमैन टिप या वेटेड टिप भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से मेरा हैंड इसमें ब्रेकल फ्लेक्सेस की इंजरी में हो जाता है, इस कंडीशन को हम अर्थ पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म। अब मान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज है या कौन कौन सा हमारा शोल्डर का मूवमेंट है, उसके बाद एल्बो का मूवमेंट है। तो बहुत सारा ऐसा है, जैसे अगर बात करें एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन हमारा शोल्डर ज्वाइंट से नहीं होगा, ठीक है, एट शोल्डर ज्वाइंट। ये मीडियल रोटेशन और एबडक्शन हम नहीं कर सकते हैं शोल्डर ज्वाइंट से, जब एबडक्शन और मीडियली रोटेशन नहीं हो सकता है। दूसरा बात होता है फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन, हम एल्बो ज्वाइंट से नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ पे नहीं होगा, एल्बो ज्वाइंट में, ये ऐसा ना फ्लेक्शन हो सकता है ना सुपाइनेशन हो सकता है। तो ये ऐसे एक्सरसाइज है जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जब हम क्या हो जाएंगे, अर्थ पैरालिसिस से कोच करेंगे या अर्थ पैरालिसिस अगर हमें होता है तो। दूसरा बात आती है कि इसमें जब हम, हमारा क्या होता है कि C5 और C6 एक क्या बनाती है, अपर ट्रंक बनाती है, और अपर ट्रंक में क्या होता है कि 6 नर्व मिलता है। तो वहाँ पे 6 नर्व मिलता है तो सारे नर्व का काम क्या होता है कि हमारे अपर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई देना, तो कुछ ऐसे भी मसल्स है जिसको क्या करते हैं कि वो सप्लाई रुक जाता है, जब हमारा नर्व इंजरी होगा तो वो मसल्स में
सप्लाई नहीं होगी और पूरी तरह से मसल्स का मूवमेंट नहीं होगा और वह वर्क नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें जैसे मसल्स है बाइसेप्स, उसके बाद होता है डेल्टॉइड, ठीक है, ब्रैकोरेडियलिस, ये ऐसे कुछ मसल्स है जिसमें क्या होता है मूवमेंट कोई नहीं होता है, ये मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट ये होता है मेनली मसल्स ये पैरालाइज होते हैं, मेनली मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी मसल्स है जिसमें पार्शियली पैरालाइज होते हैं, पार्शियली पैरालाइज होते हैं सुपाइनेटर, दूसरा होता है इंफ्रास्पाइनेटस, उसके बाद होता है इंफ्रास्पाइनेटर, सुपाइनेटर और है सुप्रा स्पाइनेटस। ये जो मसल्स है ये पार्शियली क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ये पार्शियली इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह से मेरा क्या होता है पूरे ब्रेकियल फ्लेक्सस का जब इंजरी होता है तो अर्थ पाल्सी कोच करता है। तो अर्थ पाल्सी क्या होता है, अर्थ पाल्सी में ब्रेकियल फ्लेक्सस के C5-C6 रूट इन्वॉल्व होंगे, अपर ट्रंक के यहाँ 6 नर्व मीट करते हैं एक साथ, और मीट करने के बाद ये 6 नर्व इंजर्ड होते हैं जिसके कारण हम ना एबडक्शन कर सकते हैं, ना मीडियली रोटेशन कर सकते हैं शोल्डर ज्वाइंट पे, और ना फ्लेक्शन ना सुपाइनेशन एट अ एल्बो ज्वाइंट, और बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जिसको पार्शियली पक जाएंगे, पार्शियली और मेनली पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएंगे, जैसे बाइसेप्स, डेल्टॉइड और ब्रैकोरेडियलिस। बहुत सारा होता है डेल्टॉइड मसल्स में कभी कभी देखा जाता है कि इसमें सेंसेशन लॉस्ट हो जाता है, डेल्टॉइड मसल्स का सेंसेशन लॉस्ट हो जाता है। तो ये पूरा रहा एक अर्थ पैरालिसिस के बारे में। थैंक यू।